इसका गेट है ये पूरा ओरिजिनल सोने से बना हुआ है। इसके अंदर जो यहाँ के राजा महाराजा थे वो अपनी रानी को अंदर घुमाया करते थे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका स्टेबल जंगी के नए एपिसोड में। मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश आइडिया। तो दोस्तों, आज हमारा नेपाल के काठमांडू में तीसरा दिन है और आज हम आपको लेके चल रहे हैं काठमांडू का एक और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, पाटन दरबार कृष्णा टेम्पल, मतलब पाटन दरबार कृष्णा मंदिर। मेरे हॉस्टल फ्लॉक हॉस्टल से पाटन दरबार कृष्णा टेम्पल तक की दूरी 6 किलोमीटर है, जो कि हम अपने पथाव टैक्सी से 20 मिनट में पूरा करेंगे। और पथाव टैक्सी का चार्ज है 138 नेपाली रुपये। और ये देखिए भाई साहब आ भी गए हैं, और चलिए चलते हैं। बारिश का सुहाना मौसम हो रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, ठंडा मौसम है, बारिश नहीं हो रही है, बादल छाए हुए हैं काले काले, काफी रोमांचक सफर। आगे जबरदस्त ट्रैफिक लग चुका है, देख सकते हैं, और हम रेड लाइट पर भी रुके हैं। अभी आप जो मार्केट देख रहे हैं ये ललितपुर की मार्केट है और ये कृष्णा मंदिर के पास में ही है। तो मित्रों, जैसा कि अब हम अपने हॉस्टल फ्लॉकर हॉस्टल कालधारा थामेल से 20 मिनट की बाइक राइड करने के बाद हम आ गए हैं काठमांडू के ललितपुर के पाटन दरबार कृष्णा टेम्पल। यहाँ पे आने के लिए आपको अपने, अगर थामेल में रुकते हैं तो अपने हॉस्टल से आप पथाव टैक्सी कर लें, तो पथाव बाइक टैक्सी वो आपको अप्रॉक्स 138 नेपाली रुपीज़ में छोड़ देगा। मेरे इस तरफ देख सकते हैं ये काउंटर या टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। अगर आप विदेशी पर्यटक हैं तो आपको 1000 रुपये पर पर्सन लगेगा। अगर आप नेपाली सिटीजन है, और जो हमारे 7 देश हैं SAARC देशों के मेंबर हैं, तो आपको टिकट का प्राइस देना होगा 250 रुपये। पहले यही गेट पे आप उस साइड टिकट लेंगे और उस साइड अपने दाएं साइड देखेंगे तो यहाँ पे दो प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जिसमें एक प्रतिमा है श्री नरसिंह देव की है और दूसरी जो प्रतिमा है वो भगवान हनुमान जी की है। तो आप इन प्रतिमाओं को देख लीजिए, उसके बाद हम इधर अंदर की ओर आपको लेके चलते हैं और कराते हैं आपको पाटन दरबार का टूर। तो दोस्तों, जैसे ही आप वहाँ से गेट से टिकट लेके आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको आपकी लेफ्ट साइड में ये घंटा मिल जाएगा, जो कि पुरानी ऐतिहासिक घंटा है, इतना बड़ा, आप ये देख लीजिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। और उसके दाएं साइड में आपको ये एक मंदिर मिल जाएगा। इस मंदिर के बारे में क्या है मैं यहाँ से पूछता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आप इस साइड में ये म्यूजियम है, इसमें ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो कि इसको यहाँ पे म्यूजियम बना दिया गया है। और म्यूजियम देखने के लिए यहाँ पे अच्छी पुरानी पुरानी प्रतिमाएं हैं, यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए भी आ सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरफ देखिए पूरे देवी देवताओं के पूरे राउंडर में प्रतिमाएँ बनी हुई हैं, यहाँ के जो लोकल, यहाँ के जो देवी देवता हैं, भगवान विष्णु, जो सभी देवी देवता जितने हैं, ये पूरी घुमा के प्रतिमाएं लगी हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। This is a Patan Museum. It's a complex. It's Patan Museum and it's Patan Darbar Square. It's listed in World Heritage Site in 1979. It's one of the World Heritage Site, and we can find it's here architecture from 5th century to 20th century BC. So many monuments, temples, stupas, palaces,
as well as most of the artifacts from the 5th century to 18th, 19th century. And actually this is a Patanjali complex. This courtyard name is the Sundari Chowk. It's a beautiful courtyard. You can find it's a wood carving, stone carving, as well as a metal carving. As well as Patan Museum is one of the best museums in South Asia. It's said that one of most of the visitors say. It is here we can collection of the most fine arts of Nepalese traditional art, sculptures, mostly sculpture. As well as is Lalitpur is a city of the fine arts. Its name is Lalitpur. So we can collect some the, so many our natural, sorry, traditional arts, sculpture, and especially is the metal arts. And you can find in so many intangible cultures and festivals in here, is around here. It's every month in the Patan Dawar Square, we celebrate the festivals. Another is the Patan Dawar Square is the center of the community space, which is spent after free times and chatting with friends, as well as the different ages of kids. This is a, we call the Sundari Chowk and Tusa Hiti. Tusa means, is a, in the local language, Tu means sugar cane, Sa means sweets. And Hiti means what is the tap. And we believe that this water is the, it's equal like of the sugar cane juice. Sugar cane juice. So many sweets. And another purpose is that this water fountain is the only for the worship of God and goddesses. It's here at 98 God and goddesses with tantric. Tantric also, yes. Including Buddhism and Hinduism. Yeah. In kings of 17th century, mm-hmm. every day go here and towards you offering the pure water to God and goddesses. And this is a very beautiful sculpture, so we call this is a Sundari Chowk, a beautiful sculpture. So Sundari Chowk. Sundari Chowk. It's from the 1647, it's intact right now. Okay. जैसा कि आपने ये म्यूजियम देख लिया और जो यहाँ के मेन गाइडर हैं उनसे भी हमने इस म्यूजियम के बारे में बात करी और उनसे जानकारी ली और पूरी पर हम आगे इधर की ओर जा रहे हैं। आगे हमारे कृष्णा टेंपल है। पूरा अंधेरा हो गया क्योंकि काले बादल छाए हुए हैं, इसलिए लाइटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है, तो थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। काफ़ी ऐतिहासिक यहाँ पे धरोहरें हैं, मतलब इमारतें हैं, प्राचीन काल के, प्राचीन ज़माने की, 300-400 साल पुराने। और देखिए, जब नेपाल में भूकंप आया था तो काफ़ी चीज़ें क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो अभी तक सुधर रही हैं। देखिए, यहाँ पर रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, जो लेबर लोग हैं वो रिपेयर कर रहे हैं। दोस्तों, म्यूजियम देखने के बाद जैसे आप आगे आएंगे तो यहाँ पर ये मेन कृष्ण भगवान जी का टेंपल आ जाएगा, मतलब कृष्ण भगवान जी का मंदिर आ जाएगा। और यहाँ पे आप कबूतरों को, मतलब मक्के का दाना, मतलब जिनोरी का दाना खिला सकते हैं। ये मक्के का दाना सिस्टर बेच रही हैं और इसका प्राइस है आपको 20 नेपाली रुपये में, आपको एक प्लेट इतना मक्के का दाना दे देंगी और उसको आप इन कबूतरों को खिला सकते हैं और बड़े प्यार से खाते हैं। और ये देखिए, मेरे सामने ये कृष्णा टेम्पल है, काफ़ी पुराना टेम्पल है, ऐतिहासिक टेम्पल है। भगवान भोलेनाथ है और उनके सामने ही भगवान श्री कृष्ण जी, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए कैसे इसको बनाया गया है। अपने ऐतिहासिक और प्राचीन संस्कृति को उल्लेख करता हुआ, काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्यारा देश है ये नेपाल। इधर की ओर ये मेन कृष्णा टेम्पल है और इधर की ओर शिव टेम्पल है, भगवान भोलेनाथ का टेम्पल है, और उधर की ओर भीम टेम्पल है, मतलब भीम जी का मंदिर है। वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम इस म्यूजियम को दिखा दें। ये जो म्यूजियम है दूसरा, ये जो इसका गेट है ये पूरा ओरिजिनल सोने से बना हुआ है, आप देख सकते हैं।
शुरू करने से पहले, ये नरसिंह जी की प्रतिमा बनी हुई है, यहाँ के लोगों का यह मानना है कि इस पे लड़कियाँ बैठ नहीं सकती और बड़े जो है 5 साल से बड़े लोग बैठ साइड में बैठ सकते हैं लेकिन डबल तरफ पैर करके नहीं बैठ सकते। इसलिए जैसे अगर बच्चा रोता है कि मुझे इस पे बैठना है तो वो अगर 0 से लेकर 5 साल तक है तो उसको बैठा दिया जाता है। यहाँ पे जितनी भी धरोहरें आप देख रहे हैं ये पुराने ज़माने के 300-400 साल पहले पुराने ज़माने के जो राजा थे, राजा मल्लार, राजा वीर सिंह, जितने भी मतलब ये राजा थे वो इस जगह पे अपनी रानियों को घुमाया करते थे। काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं, डेकोरेट किया गया है, मंदिर है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। अब इस टाइम पे पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लोकल लोग आते रहते हैं, अगर लोकल लोग अगर स्टूडेंट है तो उनको 15 रुपये एंट्री टिकट है और नॉर्मल सिटीजन है तो उनका 30 रुपये टिकट है। ठीक है, सिर्फ बाहर बाहर घूमने का, अगर अंदर जाएंगे तो वही आपका नेपाली का 250 रुपये लगेगा और अगर वो फॉरेनर हैं तो 1000 रुपये लगेगा। फिलहाल इधर की ओर एक कुंड बना हुआ है, मैं आपको वो कुंड भी दिखा देता हूँ। लास्ट में सबसे ये भीम सिंह मंदिर मिल जाएगा। नेपाल में जब भूकंप आया था तो काफ़ी ये क्षतिग्रस्त हो गया था, अब उसी का पुनः निर्माण किया जा रहा है इसको, आप देख सकते हैं। इधर की ओर काफ़ी लोकल देसी विदेशी पर्यटक भरे पड़े हैं और लोकल जो कपल हैं, स्टूडेंट हैं, सभी प्रकार के लोग यहाँ आते हैं, भ्रमण करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी शांति और ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि यहाँ पे भगवान के मंदिर ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उसी को पूरा इन्होंने म्यूजियम बना दिया है। ठीक है, तो अंदर से तो मैंने म्यूजियम का थोड़ा शॉट दिखा दिया लेकिन बाकी एक एक चीज़ जब आप आएँगे तो आपको एक एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे आप। काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं, आइसक्रीम, स्टेशनरी हो गए, कपड़े लत्ते की दुकानें यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ शॉपिंग चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ पे इस कुछ इतिहास लिखा हुआ है कि ये मंदिर कैसे कैसे बना, कैसे कैसे क्या हुआ और जो मतलब भूकंप आया था तो कैसे क्षतिग्रस्त हो गया था, तो ये पूरा लिखा हुआ है बोर्ड, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसमें पढ़ लीजिए। देश लेकिन सुंदर और साफ सुथरा देश, स्माइल, मुस्कुराते हुए लोग हैं, हेल्प करने वाले नेचर के लोग हैं। अगर आप हिस्ट्री में बिलीव रखते हैं, हिस्ट्री आपको पसंद है, जैसा कि सदियों से नेपाल और भारत अपना सनातन धर्म, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक परंपरा वाला देश रहा है नेपाल और भारत का, तो हमारे सदियों से भगवान श्री राम जी की पत्नी जो सीता थी नेपाल के जनकपुर से ही थी, उस टाइम पे कोई बॉर्डर नहीं हुआ करता था, कोई हिंदुस्तान, नेपाल, पाकिस्तान कुछ नहीं हुआ करता, उस समय सब एक होता था क्योंकि भगवान ने हमें सबको एक बनाया है। बाद में राजा आए, राजा काल का शासन हुआ, धीरे धीरे करके राजाओं का शासन खत्म हुआ, राजा राज करके चले गए, भगवान ने उन्हें बुला लिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे कलयुग आया और कलयुग में अब नेता मंत्री ये सब हो गए, इसलिए अपना अपना इन्होंने विभाजन कर दिया। भगवान ने हमें, परमपिता परमेश्वर ने हमें कभी किसी से अलग नहीं बनाया, हमें किसी के लिए अलग नहीं बनाया है, हम सब एक हैं। ये जात पात, हिंदू मुस्लिम जो भी है, ये सब भगवान ने नहीं बनाया, ये सब इंसानों ने बनाया है। तो हमारा बस यही मकसद होता है, हम हैं, एक हैं, हम एक हैं। आप कहीं भी सिर्फ इंसानियत को बढ़ावा दीजिए, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, हमारा सिर्फ उद्देश्य है इंसानियत को बढ़ावा देना। आप किसी भी कंट्री से हैं, कहीं से भी हैं, आप सिर्फ इंसानियत को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने हमें एक जैसा बना के भेजा है, हम एक हैं, भाई भाई हैं और हम सब उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं और एक ही मालिक है, चाहे वो
अल्लाह कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, चाहे कोई भी हो, सब एक हैं। उसने हमें इस दुनिया में भेजा है और अच्छे कर्म के लिए भेजा है, ठीक है। तो यही था, थोड़ा ज्ञान की बातें थी, मैं आया तो बोल दिया। तो दोस्तों, जितना मैं जानकारी यहाँ से इकट्ठी कर पाया उतनी मैंने आपको जानकारी यहाँ पे बता दी। और अब यहाँ से हम, रात हो गई है, 5:24 हो गए हैं, क्योंकि आज दिन भी ऐसा था ना, दिन भी एकदम पूरी बारिश वाला मौसम था, आज धूप पूरी निकली ही नहीं, मतलब काले बादल छाए रहे, हल्की थोड़ा बहुत बूंदाबांदी भी हुई लेकिन काली बादल छाए रहे। तो दिन भी अब ख़त्म हो गया, अब चलिए खाना नहीं खाए हैं तो अब 5 बज गए, खाना खा लेते हैं तो डाइजेस्ट हो जाएगा अपना, रात को फिर कुछ खाएंगे नहीं। तो ये था भैया आपका नेपाल के काठमांडू का ऐतिहासिक धरोहरों में से एक, पाटन दरबार कृष्णा टेम्पल का वीडियो और कुछ जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आप कुछ पूछताछ या कुछ सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछे, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, मतलब अगली वीडियो में एक और नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। ये जो आप बसें देख रहे हैं ना, बसों के बीच में इधर ये पूरी कन्याएं रहती हैं। यहाँ पे आप देखिए साइड साइड में पूरी कन्याएं रहती हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। लव यू।